आज के सेशन का एक टॉपिक है डेटा वैलिडेशन, जो मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर्म में, कभी फॉर्म का कंडीशन देने के लिए कि उस फॉर्म में, उस कॉलम में, उस रो में क्या फीड किया जाएगा, जो डेवलपर डिसाइड कर देता है वो यूज़र एंट्री करता है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं, एक एंट्री फॉर्म बना सकते हैं हम यहाँ पर। इसको हमने सेलेक्ट किया और होम पर जाकर के हम इसको कुछ फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम की वीड है, तो कॉलम की चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 15 हमने कर लिया, साइज़ बढ़ा गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं, जैसे हम फॉर्म बना रहे हैं तो हमने लिख दिया नेम, और यहाँ पर हमने दे दिया कि मोबाइल नंबर, सॉरी यहाँ पर लिख दो, फिलहाल लिख दो जेंडर, जेंडर लिख दिया। और जेंडर लिखने के बाद एक और चीज लिख दो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे और भी हम कंडीशन दे सकते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, और योर सिटी योर स्टेट, यहाँ पर कह सकते हैं योर स्टेट। कंडीशन में हम दे सकते हैं फॉर्म अगर बना रहे हैं कोई कंडीशन, जैसे ये अंडर एज की बात हो रही है, डिजिट की बात हो रही है, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक हम फॉर्म बना रहे हैं कि अंडर 19 की बात हो रही है कि फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होगा जिनका 16 से 19 साल के बीच में एज हो, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर 19। जब हम कंडीशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया को हम टेबल फॉर्मेट में ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम नाम देते हैं, जितने लोग होंगे राहुल यादव, और उनका जो जेंडर है, देखो जेंडर बनाने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं, जैसे हमने एक नया पेज लिया और यहाँ पर हम कर सकते हैं, हमने मेल लिख सकते हैं मेल, और नीचे लिख सकते हैं फीमेल। देखो कैसे करते हैं इसको हम यूज, और हमने इसको इस एरिया को पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू पे आप क्लिक करो, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, क्लिक करना, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, और यहाँ पर एक काम कर लेना, इनपुट वैल्यू के जगह क्लिक करके लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट पे क्लिक करो, और ये जो आपको दिख रहा है डेटा सोर्स, यहाँ पे रेड कलर दिख रहा होगा, अब यहाँ पे क्लिक करना है रेंज लेने के लिए, तो आप सीट नेक्स्ट पे क्लिक करो जहाँ पे आपने डेटा दिया था, इस एरिया को सेलेक्ट करना, वापस इस रेड पे क्लिक करो और ओके करो। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब हमें जो भी लेना होगा सेलेक्ट करके ले सकते हैं कि कौन मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक करो, ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में क्या करना है, हमें सेलेक्ट करो इस एरिया को, इसके भी हम कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका साइज दे सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास इनपुट मैसेज है, तो यहाँ पे लिख दो आप टेक्स्ट लेंथ, शब्द की लंबाई, तो आपने कह दिया कि सब इसमें 10 कम से कम हो, 10 डिजिट हो, 10 से कम ना हो, 10 कम डिजिट होगा तो एक्सेप्ट ना करें। और यहाँ पे इनपुट मैसेज एक चीज़ है, यहाँ पे लिख दो कि प्लीज वैलिड नंबर, प्लीज इंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आप एरर अलर्ट की बात कर रहे हैं, एरर अलर्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हो, मतलब फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन फेडरेशन, और यहाँ पे एरर देना चाहते हो कि प्लीज वैलिड, लिखो प्लीज
retry and valid data. ओके करो, देखो अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन में मिलता है कि प्लीज़ एंटर योर वैल्यू मोबाइल नंबर, कोई भी अगर यहाँ पर आप प्रेस करते हो ना 1 2 3 4, मान लो कोई मोबाइल नंबर दे रहा है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे छोड़ दिया आपने, तो क्लिक करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये डेटा वैलिड नहीं है। जब तक आप 10 नंबर देते हो जब तो एक्सेप्ट जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो ही एक्सेप्ट डेटा। ओके अब देखो यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिटी में आप क्या करोगे, आप सीट नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे सिटी बना लो, तो पहले लिख दो आप सेलेक्ट और आपके पास जो जो सिटी है वो लिख दो, लिख दो प्रयागराज। अभी जो इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया, तो हमने यहाँ प्रयागराज लिख दिया और लिखते हम वाराणसी, वाराणसी लखनऊ कानपुर झांसी और यहाँ पे हम कुछ और नाम दे देते हैं मेरठ। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें यहाँ पे मंगाना है, तो देखो ऐसे सेलेक्ट करना है एरिया को, सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो लिस्ट, लिस्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन क्लिक करो और इस रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करो ओके कर दो, ये पूरा एरिया यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, जो बंदा जहाँ का होगा वो अपने आप को ऐड कर सकता है। अब स्टेट की बात हो रही, तो स्टेट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, स्टेट के अंतर्गत जो जो स्टेट होगा हम लिख देंगे यहाँ पर नाम, लिख दिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, तो यहाँ पे इतना दे दिया हमने फॉर्मेट के तहत, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद इस एरिया को हम जाएंगे वापस, सॉरी इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि क्या अलाउ कर रहे हैं, लिस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रेड वाले ऑप्शन पे और इस रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करो ओके कर दो, डेटा यहाँ पे आ जाएगा और इसमें लास्ट वाले ऑप्शन देखेंगे अंडर 19 की बात हो रही है, इसको सेलेक्ट करो एरिया को और डेटा वैलिडेशन पे आप चले जाओ। यहाँ पर हम साइज दे सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो नंबर क्लिक करो, हमने बात किया कि अंडर 19 की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आप दे दो 16 और नेक्स्ट वाले दे दो 19 और यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे इनपुट मैसेज में लिख दो आप ये प्लीज ऐसे लिख दो अंडर 16 to 19 अंडर एज, ठीक कोई बंदा इसको जान सकता है अच्छे से, ओके करो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 15 ऐड करते हो तो यहाँ पे 15 इंक्लूड नहीं हो सकता, रॉन्ग डेटा बताएगा, अगर आप 16 देते हो एक्सेप्ट है, 17 देते हो एक्सेप्ट है, 18 एक्सेप्ट, 19 एक्सेप्ट और 20 नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन आप दे दोगे फॉर्म में वो ही फॉर्म में इंक्लूड होगा, तो इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, तो ये सक्सेस रहेगा यहाँ पर। चलो ये हो गया समझ में आपको, अब देखो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करेंगे और इसको
सेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट। यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया इस एरिया की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ से हम कलर ऐड कर सकते हैं जो कलर लगाना होगा। जब ये लग जाए तो यहाँ पे अपना आराम से काम करो। ये देखो और किसी का फॉर्मेट हम भर रहे हैं, फॉर्म भर ले दिया जियो जियो थी। देखो ये क्या है, मेल है फीमेल है सेलेक्ट करो, फीमेल है तो फीमेल ले लिया। कॉन्टेक्ट नंबर की बात हो रही तो आपने कॉन्टेक्ट नंबर तो दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर मोबाइल नंबर हो गया। सिटी सेलेक्ट करना है, ये लखनऊ की है तो लखनऊ ऐड कर लिया हमने। ये स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट हमें से ये किस स्टेट में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया। और इनका एज है 16 तो क्या होगा, एक्सेप्ट है, देख लेते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल सा डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत फॉर्म बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी चीज़ें हम सेटिंग में देख सकते हैं, जैसे हमें टाइम सेट करना हो, कस्टम में डेट सेट कर सकते हैं, कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और एरर अलर्ट में आपने देख लिया है, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ शो करना हो तब क्लिक करो यहाँ पर और एरर अलर्ट यहाँ पे आप कंपनी का नाम दे दो, फुटबॉल फेडरेशन इज वैलिडेट। ओके क्या, अब कोई बंदा अगर रॉन्ग ऐड करता है डेटा तो उसका तुरंत ऐसे यहाँ पे मैसेज आ जाए, ठीक है। इस फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो हेडिंग है हेडिंग था फुटबॉल गोल फेडरेशन टीम, इसको हमने ऐसा सेट कर लिया। इसको हम मिडिल पॉइंट लगा देंगे और इसको बड़ा किया हमने, इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको हेडिंग बनाना होगा, हेडिंग बना लेंगे। और इसको प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और प्री पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक किया हमने प्रिंट एरिया सेट, क्लिक करो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इसका ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, लैंडस्केप करेंगे हम पेज को, तब जाकर के ये पेज प्रिंट हो पाएगा। कंट्रोल F2 करो, अब यहाँ देख सकते हो ये आपका पेज है। मैंने पिछले सेशन में बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि कैसे हम इस पर कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, ये जो फॉर्म था इसमें यहाँ पर कैसे यहाँ पर सिग्नेचर ऐड होता है और कस्टमर का सिग्नेचर हो या स्टूडेंट का सिग्नेचर हो वो कैसे ऐड करते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड।